फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आपको जो है ना खाली जगह पर उंगली से दबा के रखना है, तो आपका ये पेज ना होम स्क्रीन का इस तरीके से हो जाएगा। इसमें आपको नीचे ये सेटिंग का आइकन है, ये देखिए सेटिंग का जो आइकन दिखाई देने लगता है, इसे सिलेक्ट करना है तो आपका ये पेज आएगा। इसमें देखिए जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है ना होम स्क्रीन लेआउट, इसके सामने दो ऑप्शन है 4:6 और ये 5:6। तो मेरा पहले से 5:6 पे सिलेक्टेड है, तो मैं जो है इसे 4:6 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो इस पेज में ना सबसे ऊपर राइट टिक का ये ऑप्शन है, राइट टिक पे सिलेक्ट करना है, तो आपका इस तरीके से होम स्क्रीन की लेआउट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अभी 4:6 पे मैंने सिलेक्ट किया था, तो इससे बदलाव क्या आता है स्क्रीन पे, देखिए ये जो ऐप्स की जो लाइनें होती है ना, ये चार लाइनों में हो जाती है, 1, 2, 3, 4, यानी कि होम स्क्रीन जितनी भी होम स्क्रीन है ना, इनमें जो ऐप्स की लाइनें होंगी वो चार हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और जो पहले से मेरा 5:6 सिलेक्ट था ना, तो तब मेरी ऐप्स की लाइनें कितनी थी, 5 थी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 लाइनें थी, अब ये 4 में हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,